वेलकम नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम आ गए हैं आज बागा बीच पर। बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे आज, और काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम आए थे अपनी स्कूटी रेंट करके, और यहाँ से बिल्कुल लास्ट वाला बिल्कुल जो मतलब रास्ता था, जो गेट बोलने लगा था दरवाज़ा, वहाँ से हमने एंटर किया। अच्छा है, बीच क्लीन है, मतलब अच्छा है, और क्राउड इंजॉय कर रहा है यहाँ पर। फैमिलीज़ वगैरह आई हुई हैं, और हॉट एंड हैपनिंग प्लेस मतलब बागा को माना जाता है गोवा में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर रात को भी पार्टीज़ वगैरह चलते रहती हैं। बहुत सारे कुत्ते भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, और फैमिलीज़ जो आई हैं मतलब, और अच्छा है मतलब इंजॉय वगैरह करने के लिए सब यहाँ पर आए हैं। जो परमानेंट शैक्स हैं वो यहाँ पर हैं, बाकी जो शैक्स थे आज की डेट पर वो हटा दिए गए हैं ड्यू टू मानसून। परमानेंट शैक्स रहेंगे। यहाँ पर चलते हैं, थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। सामने हमें एंथनी दिख रहा है, और इन्होंने रात की प्रिपरेशन बेसिकली स्टार्ट कर दी है। रात को ना यहाँ पर प्रॉपरली कैंडल लाइट डिनर वगैरह चलेगा, अपना लाइटिंग वगैरह कर देंगे, म्यूज़िक ऑन कर देंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अपना ब्रीतोज़, हमें दिख गया, तो हम आ गए ब्रीतोज़ यहाँ पर खाने के लिए। ढेर सारा खाएंगे, तो क्रैब ऑर्डर करेंगे। हम तीनों को भूख लगी है, हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। यहाँ पर इन्होंने कैंडल लाइट अपना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने बोला हम भी आज कैंडल लाइट डिनर ने लग गए हैं। हमें पता नहीं था बेसिकली हमारा कैंडल हो जाएगा यहाँ पर, बट खाते खाते रात हो गई, और रात का कुछ व्यू जो है वो इस तरीके का है कि बहुत शानदार व्यू है। म्यूज़िक ऑन हो गया है, यहाँ पर थोड़े दूर बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ा म्यूज़िक नहीं आएगा, बाकी कॉपीराइटेड के चक्कर में थोड़ा इसलिए म्यूज़िक की आवाज़ कम कर दी। नया दिन नई शुरुआत, भूख लगी है खाने के लिए, हम फिर से आ गए। बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी, हमने कहा पहले सुबह उठ के कुछ खा ही लिया जाए, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं घूमने के लिए। आर यू एक्साइटेड? यस, हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इनको हो रही है। और हमारा खाना आ गया, हमने दोबारा से स्क्विड्स मंगाए गोल्ड फ्राई के साथ में, और साथ में प्रॉन्स आ गए। हमारा प्रॉन्स की बेसिकली थाली आ गई हमारे पास में, इसमें प्रॉन है, राइस है, नान रहेगा, और अचार रहेगा, प्रॉन रहेगा, ऑस्टर्स रहेंगे, करी रहेगी गोवन, और चटनी रहेगी। अभी खा के दिखाते हैं किस तरीके का रहा, मतलब देखते हैं कैसा रहता है। हम आ गए हैं स्नो पार्क, बागा के साथ में, हमारे होटल के साथ में था। तुम साइड पर वेट करो, मैं तब तक टिकट्स ले लेता हूँ। अभी जैसे बोला था यहाँ पर स्नो पार्क, वापस चल पड़े हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली छोटे बेबी के लिए अलाउड नहीं था। वहाँ पर टेम्परेचर जो उन्होंने बोला, वो कहा कि माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर रहेगा, तो जब माइनस डिग्री में टेम्परेचर रहेगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब बेबी के साथ में माइनस 10 के रहेगा, तो सही भी है वैसे। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं, फिर वापस निकलने के बाद में चलते हैं कहीं और, तो आपको वहाँ पर आके दोबारा से मिलते हैं। और हम आ गए हैं अंजुना, यहाँ पर निकले थे फोर्ट में जाने के लिए, बट गूगल मैप से हम भूल गए रास्ता, और रास्ता भूलने के बाद में हम भूले भटके आ गए हम अंजुना बीच के ऊपर। तो हमने कहा चलो अंजुना बीच ही चलते हैं, और आपको भी दिखा देते हैं अंजुना बीच। बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत शानदार व्यू है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना वो है गंदगी जैसे लोगों ने डाली है, तो उसके थ्रू में मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी आप कहीं आते हैं तो ये प्लास्टिक की बॉटल्स एंड वो सब ना डाले कीजिए। गुड मॉर्निंग। तो बीच को प्लीज़ साफ रखो। और ये बहुत प्यारी सी यहाँ पर किसी ने वो बनाया था, हार्ट बनाया था किसी के लिए, किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के लिए प्रॉबेबली। और हम पहुँच गए बहुत मस्मराइजिंग व्यू के साथ में, बहुत ही प्यारा व्यू के साथ हम वॉक कर रहे हैं। और एक बारी जब मतलब यहाँ पर पहुँचते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे दिल खुश हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही सरीन है, बहुत ज़्यादा
पीसफुल है ये और साफ भी है एज़ कम्पेयर टू अदर बीचेस अभी तक जहाँ भी हम लोग गए उसके मुकाबले में ये बीच साफ भी है और काफ़ी ज़्यादा शांत भी है और इसी वजह से ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है। निकल गए अंजुना से बस मतलब जा ही रहे हैं। बड़ा अच्छा अपना वो रहा एक्सपीरियंस रहा। खाना हमने दोबारा से वही ऑर्डर किया सेम ऑलमोस्ट क्योंकि टेस्ट बड़ा ज़्यादा था इस बारी। पिछली बारी उन्होंने डीप फ्राई किया था बेसन के साथ में और इस बार स्वीट्स को उन्होंने रावा के साथ थोड़ा सा उसको क्रंची एक वो दिया था और बहुत ज़्यादा यम्मी था। सैलेड और पोटैटो चिप्स के साथ सर्व किया जैसे हमारी हो रही है। ये भी बेचारी ऐसे देख रही है आपके कहाँ ले आए गुस्से से कहाँ ले आए मेरे को इतनी गर्मी में। ये अपनी स्कूटी करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।